प्रोग्राम सिंधी इशू संग नाजरीन आऊं या मुझे मेजबान खालिद चांडियो अज सिंधी इशू प्रोग्राम में तक दिखार तो सिंध के अंदर जहाँ हि औरतुन के हवाले से नौजवान छोकर के हवाले से डिग्री याफ्ता छोकर के हवाले से जो मुख्तलिफ़ टेक्निकल शोबन में अगर अची रही हैं उ समाज के लिए तमाम वो उत्साह जो सबब जो बनियन इन वक्त मेहरान यूनिवर्सिटी का वी जो भी टेक्नोलॉजी के हवाले से असा शोबन उनमें औरतू अगर अची स्लोगन्स खी डिग्री खी समाज में एक तमाम वो रोल प्ले करी जिम्मेवार अदा कर अगर अची रही तुम्हारा तो सिंध के अंदर खुशन सिंध के अंदर एक लिबरल एक तरक्की पसंद एक तमाम मॉडर्न जो सेंस है वो इन नौजवान छोकर के अंदर मौजूद है अज अस सिंधी शुद्ध प्रोग्राम में तक गाल बोल कराइंदी तेखारी तो हि जो इंजीनियर औरतू हैं जो यंग अस इंजीनियर औरतू हैं मुख्तलिफ़ शोबन के अंदर टेक्सटाइल के अंदर इवन इलेक्ट्रिक में मैकेनिक में सिविल इंजीनियरिंग में उ समाज में अगर अची भरपूर किरदार अदा करने नरगो सोचे रही हैं पर जुस्त जो कर रही हैं अस नौजवान इंजीनियर औरतों से तक गाल बोल कराइंदी इंजीनियरिंग शोबो एडो दुख अगर पेरेंट्स पान के सपोर्ट कन अगर तानी फैमिली तक सपोर्ट करे तो सब कुछ अचीव कर सको था जी असि फैमिली जो सपोर्ट कर इन कर अज अस बीठा तो उन सागन बार अगर पेरेंट्स अगर उन्होंने अचीव कर सपोर्ट कंदा तो वो भी अगर इंजीनियरिंग काउंसिल के हवा से इंजीनियर्स के हवा से बरहाली वाकई सरप्राइजिंग है तो सोसाइटी के अंदर हाँ मेहरान यूनिवर्सिटी अस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एतर अपडेट थे जो हाँ कमेटू थे शुरू थे लेडीज औरतन जे औरत इंजीनियर जो कमेटू थे शुरू थे मेन स्ट्रीम में मेन जो उनमें औरतू अचन पुं इंजीनियर औरतू टेक्नोलॉजी में भी औरतू जाहिर अगर इंदू जो इंजीनियरिंग जो अपग्रेड थी अपडेट थी अस्सलामुअलैकुम सरप्राइजिंग है असो यंग लेडीज हैं हाँ इंजीनियरिंग दा अचन पुं इवन इंजीनियर थी व्यून एन जो काउंसिल ठन पे कमेटू ठन पे हेड़ा फोरम व्हाट शुड आई से फॉर दिस दे आर रियली दैट्स रियली हाईली एप्रिशिएटेड सो इट्स वेरी गुड गुड टू सी दैट दे हैव टेकन सच अ स्टेप फॉर द फीमेल इंजीनियर्स इन दिस वे वी आर एबल टू शेयर आवर एक्सपीरियंस बिकॉज द फीमेल्स इन दिस फील्ड इज क्वाइट यूनिक सो सच फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस आवर प्रॉब्लम्स वट एवर वी आर फेसिंग सो हाईली एप्रिशिएटेड फॉर दिस फॉर वो ट्रेंड हलो सोसाइटी के अंदर धीरू डॉक्टरियाँ थन असो भेरू डॉक्टरियाँ थन असो सब जो शागिर्दियाँ डॉक्टरियाँ थन पर हाँ इंजीनियरिंग के हवा से एडो जबरदस्त सेंस डेवलप थोड़ा है अस्सलामुअलैकुम मैडम अस्सलाम इतना देख रही हैं आज तो ये बड़ा जबरदस्त कन्वेंशन हुआ है क्या आप समझ रही हैं कि इंजीनियरिंग को एक्सेप्ट कर रही है लेडीज की इंजीनियरिंग लोगों में अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी आ तो रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और ये चीज़ बढ़ जाएगी तो अभी स्टार्ट तो हुआ है आप किस तरह आमादा खुद आमादा हुए कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ूं आपके पेरेंट्स आमादा हुए या आपने कुछ औरतों के ऐसे काम देखे कि इंजीनियरिंग तो बड़ा हार्ड वर्क है एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी चाहते थे कि मतलब हम सब पढ़ें तो मेरी जो बड़ी सिस्टर्स हैं वो भी इंजीनियर्स ही हैं तो उसके बाद फिर मेरा खुद का भी थोड़ा डेवलप हुआ इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग के साइड तो इसलिए फिर मैं इस साइड मूव किया मैंने इसमें क्या मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया एनडी से और मैं अब मास्टर्स कर रही हूँ मेहरान में इलेक्ट्रिकल में क्या क्या इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या सीखा है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमने मतलब डिफरेंट जो भी हमारे सर्किट्स हैं उससे रिलेटेड और जो मतलब डिफरेंट फील्ड्स जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया इलेक्ट्रिकल के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ा तो मतलब अलग अलग चीज़ें मिलजुल के इलेक्ट्रॉनिक्स अगर एक पूरा इलेक्ट्रिशियन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है आपको एज ए इंजीनियर आप इंजीनियर हो जाती हैं आपको डिग्री मौजूद है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें आपको यूनिफॉर्म से लेके एक बड़ी हार्ड वर्क एक जिस तरह इंजीनियर होता है चाइनीज देखें तो आप जाएंगी मैं बिल्कुल जाऊंगी बगैर खौफ के हाँ शुरू में थोड़ा लगेगा लेकिन वो सीखने का जो पीरियड होता है उसमें थोड़ा सा होता है लेकिन बाद में तो जाऊँगी बिल्कुल जाऊँगी जी मूँ तक चो तो हर शोबे के अंदर वुमेन्स जो तमाम ज़बरदस्त मेजर रोल ठहे पो
हाँ मेन स्ट्रीम में जो है सो सियासत के अंदर औरतूँ अचन पे असेंबली के अंदर औरतूँ मौजूद हैं असं के तमाम घड़ी होप है असो सुे हि जी यंग लेडीज हैं हि जी यंग औरतूँ असो नौजवान औरतूँ जहीन औरतूँ बासलायत औरतूँ ये नरगो इंजीनियर थियन पर ये सुे पायलट थियन जहाज हलन इवन नेवी में वन आर्मी में वन वो जो भी हार्डवर्क है वो कन इंजीनियर औरतूँ भी मौजूद हैं स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन्होंने साथ गाल बोल कराया पो तो एडो वो हार्डवर्क एडी वी हार्ड फील्ड जो उन्होंने जहनी तौर पर कि एक्सेप्ट कई है किथा उत्साह वरतो है या उनके माइटन इनकरेज कर सोसाइटी के लिए एडो आनर है असो औरतूँ हाँ इंजीनियरिंग जो एडो एडो एडी हार्ड फील्ड एडो टफ जॉब जो है सोसाइटी कि ऑन है तक बुधा तो कि शौक थो इंजीनियरिंग असल में इंजीनियर जी औरतूँ इंजीनियर्स घट आन जी नंढड़ियों असो न्याणियों अचन थी उ तमाम घट आन तो असे यो ही पे थे तो पान में जो है सो असो मेल मिलाप थे इंजीनियर्स अगैं वन जो फीमेल इंजीनियर्स हैं उ अगैं वन उन असो प्लेटफॉर्म रखो तो उन भी जो छोकर नई टई है नई टई जजन के तो उ या तो मेडिकल साइड थी वन या वन एजुकेशन साइड से तो अस प्लेटफॉर्म ही इन रखो अस भी ऐसो असो रोल मॉडल आयो तस भी एडो जदोजहद से अस अगैं व्यूं अस पढ़ी आयो बल्कि मैं तो सिविल इंजीनियर आया जो फील्ड्स से भी वी आ उन्होंने असेंगे दिखाण है मोटिवेट करो है तो तुम इंजीनियरिंग साइड से अचो ता बेटा मके बुधायो ता छा में सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माने ता फ्यूचर जा पक्का इंजीनियर जी बिल्कुल पक्का इंजीनियर ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खाने जो रीजन यो ता इंस्पिरेशन हुई बाय माय फादर हु आल्सो ही इज आल्सो इन इलेक्ट्रिकल सो आई एम वेरी होपफुल दैट आई विल डू इट गुड इन हार्ड जॉब आई विल डू माय बेस्ट खंदो वे रिस्क सनी जी बिल्कुल खणदस काफ़ी है अस कदम कंबाइन वर्क क्यों टीम वर्क क्या तरह ही अगर वी जैसे वुमेन्स हार्ड जॉब ना है अगर अस उनके हार्ड जॉब खी वनूँ तो बहुत हार्ड जॉब आगे बाकी दुनिया में का डिफिकल्ट ना है समंदर की गहराइयों में भी जाना होगा तो उनको फ्लाई भी करनी होगी तो उनको जहाज भी चलाने होंगे तो उनको नेवी में ये सब करेंगे यस व्हाई नॉट अ गर्ल कैन डू ईच एंड एवरीथिंग जब एक मर्द कर सकता है ये सब कुछ तो व्हाई अ वुमेन कैन नॉट डू मैं एज अ गर्ल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये सब चीज़ें आसानी से कर सकती हूँ आई कैन डू ईच एंड एवरी टास्क रिगार्डिंग द इंजीनियरिंग दैट्स व्हाई आई चूज माई फील्ड एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग एज स्पेशल फॉर माई कंट्री दैट्स द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री विल बिकम ब्राइट आप जाओगे आप इंजीनियर जाएंगे इतने बड़े रिस्क आप समझ रही हैं इंजीनियरिंग क्या जी मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर हूं और मैं काफ़ी होपफुल हूं और बेसिकली इंजीनियरिंग के बाद मैं फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हूं लाइक एयरफोर्स वगैरह तो उसके लिए यह है कि हर फील्ड में इंजीनियर्स जा सकते हैं दैट्स नॉट नेसेसरी कि आप लिमिटेड हो कि आप कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर हो तो आप एक ही फील्ड में काम कर सकते हो दैट्स नॉट नेसेसरी आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हो आप फोर्सेज में जा सकते हो सो यू मस्ट हैव टारगेट फॉर इट लाइक डायरेक्शंस देयर मस्ट बी डिफरेंट डायरेक्शंस बट टारगेट शुड बी वन सो फॉर मी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग इज कूल आई एम जस्ट सो इंटरेस्टेड इन इट एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर माई फ्यूचर दैट आई विल do something in it like I just want to do grip on my programming because it's especially related to programming you know there are so many languages there so I'm very hopeful for my future thank you so much he edo vado challenge a engineering jo ai ta diso ta anya ta dadi early stage me pere phase me aurat a vichari ji ji he edo vado challenge je me samundan je tayan ka vathi winde मिलिट्रीज का वी नेवी का वी आसमान में खलाउन में टेक्नोलॉजी तीन इंजीनियरिंग जहाँ वा कम कि सिंधी औरत असा
कुछ दोस्तों मिली सभी ये फोरम जोड़ो है इन फोरम के थ्रू असो यो मकसद है असानी औरत के मसायल पेश अचन पपेशली न्यू नई टही इंजीनियर अचे पी माना जो न्यू ग्रेजुएट थी इंजीनियर अचे पी उन यहाँ खबर ना है माना कॉन्सेप्ट वेठल है मिथ वेठल है इंजीनियरिंग का जॉब को मिली तो असो फोरम के थ्रू असन के जस्ट एक प्रमोट तक करना चाहूँ तो अड़ी का गाल कान्ने यो फियर जहन में कड़ी छोड़ो रुगो जॉब नौकरियों या जॉब्स वो मर्द हजरात लोन वुमेन भी उनको राइट रख वुमेन के भी उनको राइट मिली सो असि भी जॉब्स मिलंद इंशाल्लाह ताला असन फोरम में जी एग्जीक्यूटिव कमेटी में कुछ असि वाडा जो कुछ सीडा जो जहाँ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जी असान मन थ्रू अस चाहो था असे डिपार्टमेंट के थ्रू अस नई नई टी इंजीनियर्स थी अचन थी तो उनके कें तरीके से कें तरीके से जॉब सेक्टर में आणियों उनके जहन में जो ये डप वेठल है खौफ वेठल है ये को जॉब्स में प्रोफेशनल थी नी सकन रुगो इंजीनियरिंग डिग्री कर घर में वही रहन तो अस चाहूँ था तो वे इनहांस थन प्रोमोट थन अगैंधी अस मुल्क जो नारो रोशन असके फेस क्यों पाया वक्त असके चैलेंजेस हैं जी असि ऑफिस में ज्यादातर औरतन के यो जहन में वेठल है चैलेंज यो है तो अस का औरत फील्ड में नी वही सके इन वक्त जी पाँ एग्रीकल्चर इंजीनियर है मुझी जो पोस्टिंग है वो रिमोट एरियाज में है यकीन एक हाईली माउंटेन एरिया है उत्ते औरत के यो दिखो तो वे तो अई औरत इंजीनियर किथा इंदी कि पहुंची इन हाई माउंटेन एरिया में तो अस माना उन चैलेंजेस के फेस करूँ पाया इवन आऊँ पा जैसे ड्राइव कर वेंदी आं उन इलाके में तो मुख्य माना उन इलाके के मूँ चवन ये माई या ड्राइवर ड्राइव थी कर आई है ये माई माना जो है असान अगोट के अलग बिगाड़े छींदी अलग असानी औरतन के बिगाड़े छींदी तो असा इन टाइप के चैलेंजेस के फेस करूँ पाया जी ऑफिस वर्कर आज जी ऑफिस में जॉब कन थी इंजीनियर्स उनके वही बेन किस्म ज चैलेंजेस फेस करना था पवन औरत के लिए तो खबर अव हेरासमेंट ज प्रॉब्लम्स टीचिंग सेक्टर में भी टीचर्स वे बायसनेस पैदा कन था छोकरे छोकरी में फर्क पैदा कन था तो इन टाइप के चैलेंजेस स्पेशली इंजीनियर फीमेल के ज्यादा फेस करना पवन था अस क्यों पे अना तीन पर अस चाहूँ था आइंदा वाली जी नसल अस फोरम ठाने मकसद यो है तो जो आइंदा वाली अस नसल अचे वह इन मुश्किल के फेस न करे वह माना उन अस बाउंड्रीज ओपन पाथ था ठाने चाहूँ तो वो अचन आसानी से उन पाथ में लंघी वन ताकि उनके जो खौफ ए डर वेठल है जो चैलेंजेस अस फेस कया वो उ फेस कन उनके अची इजीली फेस कर केतो होपफुल आंदो एतो डीपली वो इंजीनियरिंग ढो हार्ड शोबो है ऐसो अगर अस अची चुका हूँ तो हाँ वापस मुड़ने जो रस्त ना असने जाहिर अस कुछ भी क्यों था तो होप ए डिटर्मिनेशन वगैरह वो रखी करे हर शे चूज क्यों जान जोखे में विझनी पवंदी जरूर विझंदे असानी सपोर्ट है फैमिली जो माशाल्लाह हर किस्म जो सपोर्ट है टीचर असें सपोर्ट करीन था तो ऑब्वियसली असो असो फाइट एग्जैक्टली अस फाइट कौरतू आयो तो फाइट करनी पवंदी अस जरूर फाइट खबर है सोसाइटी में केतरो डेवलपमेंट्स हैं केतरो डेवलप करनो आ पान के खबर है असें खबर है यह भी खबर है अगत हली कर केतरी मुश्किल फेस करनी पवन पर असें माइंड यो सेट करो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी फेस इन फ्यूचर ये चंदू तो अस फाइट कंदी अस बिल्कुल समाज के हर शे डेवलप करण के लिए हर रिस्क खड़ी एको नो ब्रेक वा वरी अच्छी आऊँ जे यंग इंजीनियर्स हैं यंग जी कमेटी ठही है इंजीनियर औरतन की उन हवाले से उन अगवान औरतन से गाल बोल क्यों था जे फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में शागिर्द पढ़न पे जे इंजीनियर इंजीनियरिंग पास कर गाल बोल कराए तो ब्रेक वा वापस मोटू था सोसाइटी जहाँ समूरा नॉर्म्स जे एतरा डी वैल्यू थे अस रवायती मुआशरे के अंदर सिंध के अंदर खुसूसन औरतन के लिए केतरा ही चैलेंजेस मौजूद हैं घर का वी वे आम समाज के समूरे डिलीवरेंस के हवाले से गवर्नेंस के हवाले से डेवलपमेंट के हवाले से औरत की शराकत अस तमाम मुख्तसर रही है जेस तीन औरत पा अगर अची समूरन फील्ड के अंदर समूरन शोबन के अंदर पेंजो पान किरदार तय न कंदी तेस ताईं जाहिर आ मर्द मेल सोसाइटी है मेल डामिनेंट सोसाइटी है उनके अंदर औरत के लिए वड़ा चैलेंजेस मौजूद हैं पर औरत सजो सफर करे पई पाकिस्तान ठहण का वी इन वक्त ताईं घर का वी सोसाइटी में एजुकेशन के हवाले से हेल्थ के हवाले से
औरत पान चैलेंज फेस करे पी अगर वे पी पा मुख्तलिफ़ शोबन में अगर अचे पी इंजीनियरिंग के हवा से गाल बोल करूँ पा तो इंजीनियरिंग एडो वो शोबो है एडो वो डोमेन है जो सजे समाज के रिस्ट्रक्चर कर अगर हली सजे समाज के डेवलप कह असांजी नेवी हुए असो आर्मी हुए असो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है असा रोड्स असो सजे जो सजो जो डेवलपमेंट जो कम है वो इंजीनियरिंग से है वही खुशाइंद गाल है तो औरत इंजीनियर औरत इंजीनियर्स जो क्वालिफाई करे पढ़ी लिखी हिंसर मुख्तलिफ़ शोबन में इलेक्ट्रिक में मैकेनिकल में कंप्यूटर में मुख्तलिफ़ शोबा जो इंजीनियरिंग जहाँ उनमें अगर आयुन उन्होंने डिग्रियों हासिल क्यों हाँ उन शोबन में अगर अची चुकन उन गाल बोल करूँ पा घने अरसे पेरों दफो हैदराबाद में एडी जबरदस्त कन्वेंशन कर पा हि एडो वो चैलेंज आ सोसाइटी जो तुम समझो था तो यो सजो तक डेवलप कर रोल प्ले कौ बींग इंजीनियर हाँ बिल्कुल मां तो समझा थी तो हि असा फोरम जो बुनियाद विधो आ वेमेन इंजीनियर्स फोरम जो बुनियाद ही इन ला विधो वो असल तके भी चैलेंज फेस कयान मुआशरे में रहंदे तो अस चाहूँ तो यंग इंजीनियर्स यंग गर्ल्स के उन चैलेंजेस सामों न डो पवे फैसिलिटेट क्यों उन आसानी पैदा क्यों उनके हिमथायूँ उन्हें इनकरेज क्यों मोटिवेट क्यों तो बाबा तुम फील्ड में अचो अस सीनियर्स असंध के मुआशरे के रिप्रेजेंट क्यों था अस सिंध के नंढन गोठन से ताल्लुक रखू था अस एग्जीक्यूटिव अस यो चवे प्राउड थी फील क्या असि एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी काफ़ी सभी सिंधी मेंबर्स माशाला पाकिस्तान लेवल के ऑर्गनइजेशंस में कम थी कन जैमें वापडा थी वही सिंध इरीगेशन ड्रेनेज अथॉरिटी आए पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल उनका सवा न सिर्फ डिफरेंट ऑर्गनइजेशन के सर्व थी कन पर असा गुड इंटरप्रेन्योर्स भी गडन जो एग्रीकल्चर लैंड्स के संभालन थी ट्रांसपोर्टेशन संभालन थी एक लीडरशिप वो रोल प्ले कर रही है असो के डीपली वनो सोसाइटी सजी के डेवलप कर इंजीनियरिंग तमाम वो डोमेन है दुनिया में वा में वा साइंटिस्ट जो इंजीनियर हुआ जिन वो डिस्कवरीज क्यों वो अचीवमेंट कर सोसाइटी में ब्रेक थ्रो कर छो तझो अंडरस्टैंडिंग उन लेवल की है ये असो स्टार्टअप है कन्वेंशन का असो स्टार्टअप वरतो है तो अस पूरी उम्मीद है अस अगत हली समाज के उन थिंकिंग के उन सोचन के अस बदलाइंदी और अस उनमें कामयाब थी उन सोचन के तब्दील कंदी तो छोकरियों वुमेन इंजीनियर्स अच्छी सिविल सोसाइटी में सुठो रोल प्ले कर सकन थी जी बिल्कुल अजोकी इवेंट में तक अंदाजो थो हों के असा वट कराची यूनिवर्सिटी जो एनएडी यूनिवर्सिटी आ कायदे आवाम यूनिवर्सिटी नवाब शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम ए महरान यूनिवर्सिटी जी गर्ल्स स्टूडेंट्स फैकल्टी मेंबर्स टीचर्स सभी असा इन इवेंट में असो साथ दियण आया अस उन तमाम घना शुक्रगुजार आयूँ वुमेन इंजीनियर्स फोरम के ठाण असा इलाही दुख्यो कम हो पर अस उन चैलेंज समझी कबूल किया इंशाल्लाह असा अगया भी इन लाइ कम कंदा रहंदासी मां उम्मीद थी क्या कि तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर असो साथ इंशाल्लाह इंशाला एक ओ कि यो ऑल पाकिस्तान वुमेन इंजीनियर्स जो फोरम है वो इंटरनेशनल वुमेन्स फोरम थो बिजनेसमैन बो लैंडलॉर्ड बो इंजीनियर बो एडा सब कैरेक्टर्स जैसे वाकई औरत पा ओन करे थी तो समझा तो यो तो वो मौजूदो होंद असि समाज में तो किथा का इंस्पायरेशन आई को हि जो वायद औरतू आन सोसाइटी जो एकड़ो कॉर्नर है यो सोसाइटी में एक उम्मीद है बाकी पॉलिटिक्स खत्म थी वही तुम करप्शन एतरी है एकड़ो ही औरतन जो सेक्शन बचो आ समाज में जैमा एक इंस्पायरेशन वे थी वरी जो इंजीनियरिंग फील्ड हुए तीन हाई लेवल हुए तो समझो था तो उन लेवल से परफॉर्मेंस थी या औरत तो ढी ट्रेडिशनल रही है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाँ बिल्कुल दादा यो एकड़ो चैलेंज आए पर मां समझा थी तो औरत के सिर्फ हिकड़ी फील्ड में पान के महदूद न करण खपे जेके जेके चैलेंजेस औरतुन जे अगे अचन था यो हमेशा सबूत साबित थींदो रहयो आ मुआशरे में तो औरत एकड़ो पंजो मेजर रोल अदा कंदी रही आ मुआशरे जे हिसाब सा पंजे घर जे हिसाब सा जेत्रो औरत अगे अचे पई जाहिर सोसाइटी जे लाए एकड़ो बेहतरीन मैसेज वने पयो यही डिमांड रही आ यही मुतालबो नीड रही है तो औरत हर शोबे में अगर अचे पुलिस में औरत अचे पी असेंबली में औरत वेठी है हि इंजीनियरिंग के शोबे में भाई इंजीनियर इंजीनियरिंग जो फोरम ठही कमेटी ठही हुई है तुम समझो था तो केतरी पॉजिटिव गाल
इन का पॉजिटिव दीदी इतने मेजॉरिटी में तक में वद औरत ही नजर अचे पी इतने पूरे हाल में वद औरत ही है मतलब तो ही इंजीनियर्स में आन पुलिसिंग में जितनी भी औरतू आन ये पैं मेहनत से अगत प्यों अचन असि औलाद में भी पॉजिटिव ही ये गाल आय तो जो लेडीज अगत इंदी न सिर्फ फैमिली के बल्कि खानदान के बल्कि पूरे नेशन के सुनो पैगाम पे वे तो अगत अचो वद में वद मानू जल कम कर चाहे वो कड़ी भी फील्ड में हो अगत पी अचे इंजीनियरिंग हार्ड शोब है सजो रीस्ट्रक्चर करण समाज के एडू वजू वजू डेवलपमेंट्स एडा वा प्रोजेक्ट्स समझदा कर बिल्कुल करो तो इन में एनर्जी केतरी है तमाम घनी एनर्जी है ये जो कन प्य इन करें प्यों तो इनकी डॉक्यूमेंट्री भी डिठी होंगी तो इन है कद इन मुख्य बड़ी खुशी पी थी और हर मैदान में अगत है अड़ी का खास डिफिकल्टी कान पेश आई जैसे मगज से सवार न कर तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह औरत हर जगह पे अगत ही है जैसे एकड़ी औरत एक औलाद के दुखे में दुखे तरीके से जन्म दई थी सके तो भाई दुनिया भी गाल नंढी नंढी ये कि चूं तो असं वड्यू या असा के का डिफिकल्टी है ये ना है रवायती मुआशरो मर्द चाहे तो औरत घर में हो तो जाहिर है यो प्रेशर असल में जो औरत के सिर्फ घर में ही विहार तो वो मे पे भी चाहिए तो इतने ऐसा मेजॉरिटी में औरत ही है सभी का पे रिश्तों भी औरत जो ही मर्द जो जाल है मुड़स के तरीके में ही चाहिए तो असा जो मतलब ही यो है औरत जो तो वद में वद नस्ल के जन्म दे उन अगत आने घर का बाहर भी उत निकरती जो वद में वद बार जन्म दी उन सुजाग ही दी उन में जान पैदा कदी तो हर गाल में औरत अगत है मकसद को फर्क न न फर्क ऐसो न आने हर औरत पायलट थींदी औरत वजीर आजम थींदी तो फर्क तक खत्म थी फर्क तो बिल्कुल कोन है औरत हर गाल में अगत है ना था फर्क तो बिल्कुल कोन है को बिल्कुल ना होजे वडो स्कोप औरत के आई जारा जेका रेडिकल सोसाइटी आ जेके प्रोग्रेस मानु हन जेके समाज के मॉडर्न एज में रिसन ता चाहन वो डाडा खुश हन पर रवायती प्रेशर घणो मौजूद आ ता समझोदा त ही जेके टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग में औरतू अगे अचन पो यो केतरो एकरो ब्रेक थ्रो थी सोसाइटी के लिए एकरो तो पैरी आऊं तांगे सबनी का पैरी ये बताया था हैदराबाद जेको आहे पूरे सिंध के तो लीड तो करे आई अगर जेका असा यूनिवर्सिटी भी माशाल्लाह सा मेहरान आए सिंध है कराची वनन या अगा वनन पर पैरी अचे तो हैदराबाद जडे लीड हैदराबाद तो करे ते होन जी जेका वधिक पावर तांगे लेडीज जी तांगे हैदराबाद में ही मिलंदी आई यो जेको भी टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर औरतू उन टेक्नोलॉजी के सीखण के लिए अचन पूँ तो उन्होंने सुठी सुठा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम मिलन पे हैदराबाद में ही उन्हें जो है कैरियर काउंसलिंग उन्होंने सुठी भी मिले हैदराबाद में ही इन करी टेक्नोलॉजी अड़ी अड़ी जगहों पर अचन शुरू थी आई टेक्नोलॉजी हवाले से असि लेडीज इला अगत अचे पी हाँ सिंध इशू प्रोग्राम में धरती टीवी के प्रोग्राम में औरत इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से औरत इंजीनियरिंग के हवाले से अगर अचान एक तमाम वो थोड़े अचीवमेंट है वही तमाम आ समझदा तो डेवलपमेंट सब डिपेंड कन थी इंजीनियरिंग से असि औरत में एतो पोटेंशियल है जो लिखी पढ़ी सजे समाज के एडन वन अदार डेवलप कर कन पो बिल्कुल डेफिनेटली कन तो पो माशाल्लाह से अल्लाह जो शुक्र है हर इदारे में हर फील्ड में तुम ऐसो असो सिंधी औरतू माशाल्लाह से अगत उन्होंने एतरी अवेयरनेस अची वही है सोशल मीडिया के करे सब शे अल्लाह जो शुक्र है सब कम कन पे रुगो इंजीनियरिंग मेडिकल में तुम वो टीचिंग में वो बैंकिंग में कस्टम में PIA में हर जगह से तक माशाल्लाह से लेडीज मिली शोभा इंजीनियरिंग जहाँ वा शोभा तुम ऐसो तो चाहे समुंडन के गहरान में वेंद वोलन पे वेंद ये तो वो कम हाँ कन पे छो खिला में भी वही ना लेडीज तो खिला में भी वही ना स्पेस में भी हाँ वेंद छो कन पो जाहिर है कन पो बेचारी आई अड़े माहौल में आए जो वा चैलेंज खड़ी वी खड़े पी अल्लाह जो शुक्र है हाँ वो दौर को हाँ जो तान ऐसो पे ना अलह माशाल्लाह से अवेयरनेस अची वही है सब शे की हाँ अची वो शोर हाँ ऐसो बिजनेस लेडी है
मां सुबह का वी मुझे एतरा सारा ऑर्डर सा मां एडी बिजी हस पर मुझे जहन में एकड़ी गाल तो मुखे वणनो असा लेडीज जो प्रोग्राम है तो यू नो कि यह अवेयरनेस है ना मां पे सब कम छे हिंसर ऑर्डर भी जे रात डिनर जावा मां के कैंसिल करे मां चो ना मां अध कलाक के लिए जरूर वेंदस तो आए बिल्कुल अल्लाह जो शुक्र सुठी इंप्रूवमेंट है। औरत के अंदर एक उत्साह एक इंस्पायरेशन औरत के अंदर मौजूद है कि मैं आगे बढ़ूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंजीनियरिंग बहुत बड़ा शोभा है, बहुत बड़ा शोभा है, इंजीनियरिंग सारी सोसाइटी को चेंज करेगा। इतने रवायती मुआशरे में जो इंजीनियर औरत आ रही है, ये आप समझ रही हैं कि इतना बड़ा रिस्क उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। अब आप देखें कि आज अगर 240 वुमेन इंजीनियर बैठी हैं और यही कमीशन करने जा रहा है कि इन औरतों के ग्रुप को, प्रोफेशनल वुमेन को, उनको अगर हम एक ग्रुप फोरम में ले आएंगे और उनका कनेक्शन दूसरे फोरम से कर देंगे, जैसे कि मैंने कहा भी कि ये रिमोटेस्ट एरिया में जो वायलेंस के केसेस हैं, ये पढ़ी लिखी ख्वातीन हैं तो ये बहुत रिजॉल्व कर सकती हैं। और क्वालिटी एजुकेशन, तो दो चीज़ों को अगर हम संभाल लें और हम नेटवर्क बना दें, औरतों को ग्रुप्स में फोरम में बिठा दें और फिर उन फोरम को आपस में मिलवाएं, तो औरतों की इतनी बड़ी ताकत होगी जो अगर कोई भी हमारे सिंध में कोई ये नहीं कह सकेगा कि औरतों के साथ ज्यादती हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाए। इंजीनियर औरत एडा वड़ा रिस्क खड़ी है, हिम्मत आए औरत में? जी मुझे ख्याल में तो यो जो जिन्सी सिन्फी जान बराबरी है, औरत की जो ग्रूमिंग कई हुई है ना, वह घर के अंदर कई हुई है, उनके ये पेश किया तो वह जो आड़ो ताकतवारो कम नी कर सके। पर तुम जो डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा तो मायू जो हर फील्ड में तक मिलंद शायद तेरी अफेरिकन माई खी अचो बॉडी बिल्डर हो जाए हेड़ो धक तो शायद उथी भी नो तो इन में का अड़ी शे को का औरत हमेशा का जो चैलेंजेस खयान हीड़ो मोटिवेशनल मुझे ख्याल में तो फोरम आ जो असें बुधाए तो पेरेंट्स के बुधाए तो जे औरतू आन जे ये जगह एक स्पेसिफिक फील्ड आ जो वैक्यूम छो वो उनमें औरतुन के आणो पंजो स्पेस वो तुम समझो था तो औरत एडा वा चैलेंजेस ही टेक्नोलॉजी या चैलेंजेस खी सके सर बाकायदा खी थी सके जी तो मतलब ये फोरम असाज लाइ इंजीनियरिंग जो वुमेन्स उन्होंने और इनॉग्रेशन इन कई है तो ये ढो इलाई सुनो अस वुमेन इंजीनियर्स लाइ इलाई बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिथे मतलब इंजीनियर सब गड थन थी वुमेन इंजीनियर्स ठीक है। हाँ जी तो सब मेल हैं ठीक है, वो इंजीनियर्स थन था ये असाजे माशरे में घड़ो यो चयो वे तो मेल्स हैं तो इंजीनियर्स थन, फीमेल्स हैं तो इंजीनियर्स न थन। पर मतलब अज अगर अस हाँ ऐसू था सिंध में घड़ो कर हाँ मतलब इन शे जो रेशो फीमेल्स जो भी इंजीनियरिंग में वे तो जैसे इन जो रेशोस वे तो इन मतलब है तो माना अच्छी सन थी इंजीनियर्स थी थी सन हर रिस्क खी जी बाकायदा वो रिस्क खी सन थी हर शे में तहन में वही सन थी वा वा जो डेवलपमेंट जहाँ प्रोजेक्ट खी जी बाकायदा वो कर सन थी वो सब कुछ अगर छोजो उनके माइंड में शुरू का ही विहार तो वे तो ये कम ना कर सो तदे वो पे पान के वीक थी समझन जैसे उनके माइंड में शुरू का होंद ही ना एक शे चेंज थी तो वो छो समझन पे पान के वीक समझो फियर खत्म औरत में एतरो पोटेंशियल है जो हेडा वा चैलेंज दुनिया की औरत करे पी जहाज हलए पी वो वो डेवलपमेंट करे पी फाइट करे पी स्पोर्ट्स में अगे आई आसान रवायती मुआशरे में एडा वा चैलेंजेस समझो औरत खी वी जी औरत खी न वी बल्कि औरत खी चुकी है अजकल जो कंट्री साइड जो गर्ल्स हैं उ अभी कॉम्पिटेंट हैं इलाई उ इंट्रस्ट वन थी स्टडीज में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हूँ ने उन्होंने मतलब वो फैमिली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि उनके परमिशन दींदा तुम वही पढ़ो तो वधिक सिंसियर होंदियन एज कंपेयर टू जो शहर जो छोकरी हैं तो माशाल्लाह वे कॉम्पीट कन पं अ भी कंदू को भी इनमें फेयर ना असा के रेशो गर्ल्स जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वो ऐसा अचे पो होपफुली अगर भी वो टेक्नोलॉजी के हवाले से यूनिवर्सिटी अवाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आयो मुझे बुधा तो केतरी इंस्पायरेशन है टेक्नोलॉजी में अगर
तमाम खड़ी आए इंशाल्लाह अगते लिए जरूर कुछ तो कुछ करे दिखारींदा से ता कुछ न कुछ करे दिखारींदो पर लाऊं इते जेके टीचर्स हैं आई जेके इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी जे मुख्तलिफ शोबन में अग्या औरतूं अचन पयूं उन जे हवाले सा मु गाल बोल कई है ता अंदाजो करे सको वुमेन ते डाडा प्रोग्राम्स धरती टीवी जे प्लेटफॉर्म ता सा कया है उन जो एकरो ही सबब आ जेके समाज जा शोबा जेके समाज जो कम्युनिटी है जेके समाज जो ये समझो तेरा तबका पुठते पेलन उनन के वद में इनकरेज करियूं त जिए वद में वद समाज गजल तौर ते तरक्की करे इंदर प्रोग्राम में पान वरी बे के मौजू संग हाजिर थिंदासी सदई गड